Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. अभी बजे हैं दिन के कितने 12:30 एक बज चुके हैं क्योंकि है बहुत तेज आवाज आती है फैन की, वरना मेरी आवाज नहीं आएगी आपको. तो अभी बजे हैं 12:30 एंड अब मैं जा रही हूँ मुस्तफा. तो अभी मैंने ड्रेस पहन लिया है, थोड़ा बहुत क्या आईब्रोज वगैरह फिल इन करते हैं एंड लिपस्टिक लगाते हैं, फिर चलते हैं मुस्तफा एंड इस मंथ की ग्रॉसरी लाते हैं. तो रुकिए, 2 मिनट दीजिए, मैं फटाफट से तैयार होके फिर मिलती हूँ आपसे. सो लीजिए, तैयार हो गई मैं एंड अभी फटाफट से चलते हैं. एक्चुअली ना थोड़ा सा मैंने ना लिपस्टिक ब्राइट लगाया. ब्राइट मतलब क्या, 2 कोट लगाए. सिंगल कोट लगाती हूँ मैं जनरली, क्योंकि आज मेरी आंखें बहुत सूजी हुई है. देखिए, सूजी हुई आंखें ऐसी दिखती है मेरी. तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फटाफट से मेरे पेरिओरल डर्मेटाइटिस पे कि कैसे मैंने क्योर किया है एंड कैसा इसका रिजल्ट रहा है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. क्योंकि लड़कियों में कब क्या प्रॉब्लम आ जाती है कोई पता नहीं रहता है, तो इसीलिए पहले ही आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज रहे इस बारे में तो अच्छा रहेगा, है ना. तो फटाफट से अभी हम जाएंगे मुस्तफा, जो कि मेरा फेवरेट जगह है जाने के लिए, यू नो, वन ऑफ माय फेवरेट है वो. इतना मजा आता है मुझे ग्रॉसरी खरीदने में, यू नो. आई थिंक ये लड़कियां वही रिलेट कर सकती है मुझसे जो लड़कियां कुकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड होती है. जो लड़कियों को कुकिंग या किचन से कोई लेना देना नहीं होता है ना, उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता इन वीडियो में. क्योंकि काफी लड़कियां हैं जो मुझे मैसेज करती हैं मुस्तफा के एंड ग्रॉसरी व्लॉग्स उनको बहुत पसंद है. सो आई रिलेट टू यू गर्ल्स, लेडीज देयर. सो चलिए फटाफट से चलते हैं. तो देखिए, आज मैं पहली बार ये बड़ी ट्रॉली लेके जा रही हूँ मुस्तफा एंड इसकी हाइट देखिए ऑलमोस्ट इतनी है, मतलब यहाँ तक है मेरे लिए. वो पहले वाली ट्रॉली तो काफी छोटी थी, ये वाली बहुत बड़ी है. इसमें मेरा सामान आराम से आ जाएगा एंड मुझे टेंशन नहीं रहेगा. उसमें यू नो कभी कभार मैं 2-3 चीजें छोड़ के आ जाती थी ये सोच के कि मैं फेयर प्राइस में ले लूंगी, ट्रॉली में आएगा नहीं. तो ये देखिए ट्रॉली कितनी मस्त है, एकदम हैवी है एंड बहुत बड़ी है. और ये देखिए इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है जहाँ पे सामान रख सकते एंड हैवी भी है उठाने में. तो आज हम चलते अपनी नई ट्रॉली का इनॉग्रेशन करते हैं एंड सामान लेके आते हैं. बहुत खुश हूँ मैं. ये देखिए, जब भी आप बाहर जाते हो एंड आपको पानी की बहुत प्यास लगी है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि सिंगापुर में पानी थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है जब आप खरीदने जाते हो 7-Eleven वगैरह से. मगर आपको मैं एक टिप देती हूँ, उमी सुशी, जहाँ पे अभी आप ये सुशी कॉर्नर से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ना 10 सेंट्स में एक पानी की बॉटल मिलती है. वो कुछ ऐसी रहती है, ये देखिए इतनी बड़ी पानी की बॉटल सिर्फ 10 सेंट्स में मिलती है आपको. तो अगर आप पानी चाहते हो तो आप ये 10 सेंट में उमी सुशी से ख़रीद सकते हो. बहुत यूज़फुल रहेगा, आप देख लीजिए गूगल करके ना, जहाँ कहीं भी आप हो उमी सुशी को ढूंढ लीजिए एंड वहाँ से आप 10 सेंट्स की बॉटल ले सकते हो. अभी जस्ट मैं मुस्तफ़ा के आसपास आके पहुँची हूँ एंड यहाँ देखिए इतनी तेज़ बारिश आ रही है. अरे यार, सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है मुझे, उसके बाद तो मुस्तफ़ा एकदम करीब है. बट देन इस बारिश में इतने में भी मैं भीग जाऊंगी, तो इसीलिए मैं वो रिस्क नहीं ले रही हूँ. थोड़ा सा कम हो जाए बारिश तो मैं निकल लूँगी. सिंगापुर की बारिश ऐसी ही होती है, आती है जाती है आती है जाती है. तो आई थिंक आई प्रेफर वेटिंग, तो 2-3 मिनट वेट करके फिर देखते हैं एंड देन जाते. कोई छाता मिल जाए, कोई मुझे शेयर करके वहाँ तक छोड़ दे तो भी अच्छा ही है. सो आ गए हम मुस्तफ़ा के अंदर एंड सबसे पहले हम जाते हैं सनी के सोप लेने के लिए, जो सनी यूज़ करते हैं. मैं भी यूज़ करती हूँ बट देन आजकल सनी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं. वो है ये चंद्रिका. सो हम कितने 3-4 ले लेंगे इसको, ठीक है ना. ये 4 सोप लेते हैं एंड बाकी का भी चलिए फटाफट से शॉपिंग करते हैं. सो अभी लेते हैं सूजी एंड इस सूजी को ना फटाफट से भून के रख देती हूँ मैं घर जाते ही, क्योंकि इसमें ना कीड़े बहुत जल्दी होते हैं. सिंगापुर में ना कोई भी चीज़ में ना कीड़ा लगने में ना बहुत दिन नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसमें कीड़े हो जाते हैं. तो आई थिंक ये वाली सूजी ले रही हूँ मैं. एंड एक और सूजी होती है, वो भी देख रही हूँ मैं, एकदम बारीक वाली आती है ना. फिर लेते हैं पोहा. पोहा पोहा पोहा, वो वाला पोहा कहाँ है. हाँ, फिर हम लेते हैं ये पोहा, इसके 2 पैकेट लेंगे.
हमको चाहिए होगा गुड़। गुड़ का ये डब्बा ले सकते हैं, गुड़ पाउडर का। ओ नहीं, हमेशा मैं ये लेती हूँ, तो आई थिंक अभी भी यही वाला लूँगी मैं, ऑर्गेनिक गुड़ होता है। फिर आते हैं आटे के सेक्शन में, एंड आई थिंक मैं आशीर्वाद ही लूँगी। एंड देखिए आटे का प्राइस अगर आपको जानना है तो आशीर्वाद 5 kg का आ रहा है 990 में, पार्लियामेंट आ रहा है 790, पिल्सबेरी आ रहा है 990। तो आपको कौन सा लेना है आप इसमें से डिसाइड कर सकते हो। आई थिंक पार्लियामेंट ना ये वाला है, ये मैंने ट्राई नहीं किया है कभी, लूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, $2 कम है। बट एक बार जो अच्छी रोटियाँ बनती हैं वो अगर जब खाते हो तो फिर आपको दूसरा जचता नहीं है। सो आई थिंक अभी ये पिल्सबेरी भी नहीं लूँगी, पिल्सबेरी गोल्ड है तो ले सकते हैं। आई थिंक पिल्सबेरी नॉर्मल है, गोल्ड वाला तो नहीं है, ये वाला पिल्सबेरी है। ये क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज हूँ मैं। बिना आशीर्वाद आप आटा ले रहे हो ना जब, तो ध्यान से लेना, ये मैंने इस बार ही नोटिस किया है। एक आपको मिलता है नॉर्मल आशीर्वाद आटा, जिसपे ये देखिए होल व्हीट फ्लावर लिखा होता है, एंड एक आता है ये वाला नया देखा मैंने इस बार, दिस इज मल्टीग्रेन, पैकेजिंग एकदम सेम है, तो बहुत ध्यान से लीजिएगा जब ले रहे हो। इस पे लिखा रहता है आटा विद मल्टीग्रेन्स। कुछ लोगों को मल्टीग्रेन पसंद नहीं आता है ना, थोड़ा हार्ड बनती है रोटी बोलते हैं, तो इसलिए आप ये ज़रूर देख के लीजिएगा, क्योंकि दोनों पैकेजिंग सेम है। मैं एक्चुअली पहले वो रखी थी, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मल्टीग्रेन क्यों लिखा है, फिर मैंने दूसरी पैकेट पे देखा उस पे लिखा था कि होल व्हीट आटा, तो इसलिए मैंने फिर चेंज किया। तो मेरे से ये कन्फ्यूजन हो सकती है, तो फिर मैं इतना जब ऑब्जर्व करके लेती हूँ, मेरे से भी कन्फ्यूजन हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है, तो प्लीज़ ये ज़रूर देख के लीजिएगा। तो अभी बाकी का सामान लेते हैं, अभी लेना है बासमती चावल, बासमती चावल यही है। एंड हम लेते हैं नूर जहाँ, ये रहा नूर जहाँ, ये बिरयानी वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड मुझे कांता ने इस बार ये वाला बोला है महारानी बासमती, तो ये भी ट्राई कर सकती हूँ, बट इसके दाने इतने मोटे मोटे क्यों दिख रहे हैं, लेट्स सी। यहाँ पे ना मुस्तफ़ा में बैंगन की इतनी वैरायटी मिलेगी आपको, मतलब मैंने इतनी वैरायटी कभी देखी नहीं थी। ये देखिए ये एक अलग टाइप के बैंगन है, फिर ये वाले ग्रीन एंड पर्पल वाले बैंगन है, और ये पूरे पर्पल वाले लंबे वाले बैंगन है, वाले जो इंडिया में मिलते हैं बहुत कॉमनली यूज्ड, ये वाले हैं फरवा बैंगन में, ब्लैक कलर वाला है ये। और फिर ये देखिए फूल जैसे छोटे छोटे ये बैंगन हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा ह्यूज एकदम मैसिव साइज का बैंगन है। आते हैं ये वाले, ये देखिए ये मिक्स हैं बट लंबे लंबे हैं, देखिए पर्पल एंड ग्रीन, छोटे छोटे ब्लैक वाले बैंगन हैं। और उसके बाद आते हैं ये सांबर बैंगन आई गेस, छोटे छोटे एकदम बहुत छोटे होते हैं, कभी यूज़ नहीं किए मैंने, बेबी ब्रिंजॉल वो लिखा है इस पे। उसके बाद आता है ये वाला, देखिए ये हरे वाले, ये थाईलैंड के डिशेज में बहुत यूज होते हैं उनके ग्रेवीज वगैरह में, लंबे वाले ब्लैक कलर के। ये और एक वेराइटी है, ये ब्लैक कलर के, देखिए एक और है ये डिफरेंट, ये देखिए ये एक और वेराइटी है, ये छोटे छोटे बैंगन ही ये इतने से, ये देखिए ये साइज छोटे वाले, ये एक और वैरायटी, मैंने बोला ना एक 8-9 वैरायटी बैंगन की है यहाँ, ये वैरायटी के बैंगन है, बैंगन का सेक्शन ही इतना बड़ा होता है यहाँ पे। तो मैं इसमें से 3 वैरायटी लेती हूँ, जैसे भरवा एक तो मैं लेती हूँ ये वाले बैंगन, और एक और होते हैं ये छोटे छोटे वाले, एंड एक और लेती हूँ मैं ये बैंगन के भरते वाले बैंगन, तो ये वाला लेती हूँ मैं एक और। हमेशा ना जब आप बैंगन का भरते वाला बैंगन चूज़ कर रहे हो ना, तो आप मीडियम साइज़ का चूज़ कीजिए, बहुत बड़ा मत चूज़ कीजिएगा, क्योंकि बड़े में ना सीड्स बहुत होते हैं, बहुत बड़ा हो गया रहता है, तो इसीलिए ना उससे ना भरता ना एकदम अच्छा नहीं बनता है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे बेशक 2 ले लेती हूँ, बट बहुत बड़ा वाला कभी नहीं लेती हूँ मैं। सो ये लेते हैं हम मेथी, इतनी काफ़ी है। एंड मैंने यहाँ पर ये राई ली है, ये एकदम बारीक राई यूज़ करती हूँ मैं, इसमें एक और वेराइटी मिलती है, ये देखिए ये मोटी राई होती है, ये मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मैं ये बारीक वाली राई ही यूज़ करती हूँ, हमारे घर पे हर जगह हुगली में भी हो कहीं भी हो हम बारीक राई ही यूज़ करते हैं। और फिर मुझे चाहिए सफ़ेद तिल, क्योंकि अब गणपति पे ना कुछ कुछ स्नैक्स बनाऊँगी तो उसमें तिल डलता है, तो अभी तिल देखते हैं कहाँ पर है। तिल 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 हमेशा दिखती है, जब नहीं चाहिए, जब चाहिए तब नहीं दिखेगी। ये देखिए ट्रॉली भर गई है, अभी अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास बड़ा, अरे ये किसकी ट्रॉली आ गई मेरे पास, ओ मेरी ही है, बट देखिए लोगों ने किसी ने इसमें ये सब डाल दिया है, ये सब मेरा आइटम नहीं है यार, 2-3 आइटम, इसलिए चेक करना होता है ट्रॉली। चलो
ओके, लोगों ने जिनको अपना नहीं चाहिए था सामान इसमें डाल के गए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रॉली रखी हुई थी, वहाँ पे लोगों ने ये काम किया है, अभी मुझे निकालना पड़ेगा ये चीज़ें। ये सोचो मैं इतनी भरी भरी क्यों लग रही है ट्रॉली। सो ये देखिए शॉपिंग तो हो गई है, मगर बारिश की हालत देखिए, इतनी तेज़ बारिश हो रही है एंड पूरा अंधेरा हो रखा है। तो मैंने सामान तो शिफ्ट कर दिया है, मेरे ट्रॉली में सब कुछ फिट आ गया है, वेरी नाइस। बट देन बारिश का वेट कर रही क्योंकि मुझे इधर से जाके ना उस साइड से रोड को क्रॉस करके फिर MRT जाना है। तो वेट करते हैं, वेट करने के अलावा कोई और चारा है नहीं। लेट्स सी। सो फाइनली मुस्तफ़ा से कैसे कैसे तो क्रॉस करके मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर। बाल देखिए मेरे पूरे इतनी भीग गई, मैं मालूम पूरे गीले हो गए हैं बाल भी, देखिए बहुत ज़्यादा गीले हो गए बाल। एंड मेरा ड्रेस भी यहाँ गीला है। सामान पर तो पूरा कवर चढ़ा हुआ था तो सामान की टेंशन नहीं है, बट देन हाँ मैं गीली हो गई। एंड इतना ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि सिंगापुर के मॉल्स ना गर्मी, यहाँ ह्यूमिडिटी होती है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमेशा बहुत ठंडा एयरकॉन चला के रखते हैं। एंड ऊपर से अभी ना बारिश की वजह से ना और ठंडा लग रहा है, तो मेरे बाल भी गीले हुए हैं, ड्रेस गीला हुआ है, तो उसकी वजह से और ठंड लग रही है। तो मैं अभी आके बैठी हूँ विंगस्टॉप चिकन के, फ्राइड चिकन के स्टोर पर। तो यहाँ से मैं टेक अवे चिकन लेके जा रही हूँ घर। उसके बाद आज पता नहीं डिनर में क्या बनेगा अभी कि नहीं, कि बाहर खाएंगे हम, लेट्स सी। क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, हील में, पता नहीं क्यों, लेट्स सी। अभी सामान भी जाके निकाल के रखना है, सब कुछ जुड़ा के, तो वो भी एक बड़ा काम हो जाता है। मेरे ऑर्डर का वेट कर रही हूँ अभी, देखते हैं। सो बस अभी वापस आई हूँ मैं मुस्तफ़ा से इतनी जद्दोजहद के बाद बारिश का सामना करते हुए। एक्चुअली ना सिर्फ वो एक एरिया है जो मुस्तफ़ा से वो सिटी स्क्वायर मॉल आने तक का ना सिग्नल क्रॉस करके आने का एरिया है, वो एरिया अगर एक बार क्रॉस हो गया ना तो उसके बाद बहुत इजी है। मॉल के अंदर ही MRT है तो तकलीफ नहीं होती है, बट वो एरिया क्रॉस करना है। मैं जनरली मैं छाता लेके ही नहीं जाती क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो भी मैं फटाक से पर्स को हाँ सर पे रख लेके मैं क्रॉस करके चली जाती हूँ। मैं छाता बहुत रेयर लेके जाती हूँ कहीं भी बाहर जाते हुए। पहले जब हम नए नए सिंगापुर आए थे ना, तो तब हमेशा एक छोटा सा छाता जो इत्तू सा आता है ना, वो हमेशा हमारे बैग में रख लेके जाते थे। अभी हम वो छाता रखने का ट्रेंड छोड़ ही दिए क्योंकि कहीं भी ऐसा बारिश का इतना ज़्यादा सामना होता ही नहीं है, तो छोड़ दिए। बट आज एक्चुअल में मतलब हो गया ऐसा कुछ। तो अभी सामान निकालूंगी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस मंथ की ग्रॉसरी क्या आई है। कुछ कुछ सामान है एंड कुछ कुछ सामान जो नहीं था बस उतना उतना सही लाई हूँ मैं। एंड फ्रेश वेजीज वगैरह जैसे जैसे चाहिए वो आते रहते ही है यार, सामान है ना कभी ख़त्म नहीं होता लाने का, किचन का सामान। ये इतना सामान लाती हूँ ना मैं, उसके बाद भी ना एक्चुअली देखिए अंडे खत्म हो गए एंड दूध खत्म होने वाला है, तो अभी भी मुझे फेयर प्राइस जाना ही पड़ेगा शाम को या फिर कल। फेयर प्राइस तो जाना ही जाना है, घर के पास से सामान आता ही आता है चाहे जितना भी आप वहां से लेके आओ। तो अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। सो ये रहा फर्स्ट राउंड ऑफ ग्रॉसरीज, आई मीन इसमें वेजीज हैं पूरे, और अभी भी देखिए ट्रॉली में बाकी है सामान। तो ये आपको मैं पहले दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये रहे छोटे छोटे कैप्सिकम जो मैं लाती हूँ, इसको मैं स्टफ्ड कैप्सिकम बनाती हूँ, आई मीन इसमें आलू भर के ना फिर मैं सब्जी बनाती हूँ, वो है। रही मेथी की सब्जी, ये धनिए के पैकेट मैंने दो लाए हैं क्योंकि मुझे हरी मिर्ची का पेस्ट भी बनाना है। दिल की सब्जी, करेले जो कि मेरे फेवरेट हैं वो भी, भरते का बैंगन, ये रहा जिंजर, और ये मैंने पील्ड गार्लिक लाया इस बार क्योंकि मुझे इसका ना पेस्ट बनाना है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ख़त्म होने वाला है क्योंकि जो मम्मी दिए थे ना वो अभी तक चल रहा था, मम्मी ने बना के दिया था घर पे, तो अभी मुझे बनाना है फ्रेश, तो इसीलिए मैं गार्लिक एंड जिंजर दोनों लाई हूँ। और ये रहे टमाटर, ये रहे बीन्स, जो फिर ये रही मटकी की फली, हम मटकी फली बोलते हैं, आई थिंक गवार बोलते हैं इसको, है ना। रहे बेल पेपर्स, ये रहे कौन से नॉर्मल वाले बैंगन जो कि ये मैं कट करके फ्राई करके बनाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। फिर लाई हूँ मैं कुछ नींबू, एंड इसमें आधे हमेशा ना नींबू आप आधे हरे लाना एंड थोड़े से पीले लाना, ताकि हरे ना धीरे धीरे पीले हो जाए, एंड पीले वाले पहले आप यूज कर लो, ठीक है, ये मेरा टिप है। ये बेल पेपर्स रेड एंड येलो, हरी मिर्च का पेस्ट खत्म हो गया है तो उसके लिए मैंने दो हरी मिर्च लाए हैं, तो वो भी बनाना है। कैबेज मैं छोटा लाती हूँ क्योंकि बड़ा कैबेज ना कभी भी खत्म नहीं होता है हमारे घर में, हमेशा मैं फेंक देती हूँ आधा कैबेज, तो इसीलिए छोटा ही लाया, एकदम छोटा कैबेज, एक ही बार में सब्जी बन जाएगी। किसी गोभी लाई है, ये इंडियन गोभी है,
चाइनीज गोभी बहुत मिलती है सिंगापुर में, बट आप ऐसे देखिएगा इस पे लिखा हुआ होता है कॉलीफ्लावर इंडिया बोल के, ये थोड़ा महंगा मिलता है, बट देन ये ही गोभी अच्छी होती है एंड ये टूटती नहीं है पकाने के बाद भी। ये मैंने लाए बीटरूट के गड्ढे, 2 बीटरूट लाए हैं मैंने। बीटरूट खाना अच्छा होता है ब्लड के लिए, आपके स्किन के लिए और सब कुछ। एंड कोशिश करती हूँ कि जितने वैरायटी की सब्जियां खा सकूं उतने खाऊं। और फिर ये रहे छोटे छोटे बैंगन जो मैं इसकी सब्जी आलू के साथ बनाऊंगी। फिर मेरा तवा ना खराब हो गया था, तो इसीलिए मैंने एक नया तवा लाया है। ये 24 सेंटीमीटर का है, 24 mm बोलते हैं शायद, हाँ 24 सेंटीमीटर लिखा है ना यहाँ पे। तो ये मुझे पड़ा है कितना, $11.90 का। तो ये प्रीमियर ब्रांड का है, मैं हमेशा प्रीमियर ब्रांड का ही लाती हूँ। जब से सिंगापुर आई हूँ तब से मैं प्रीमियर ब्रांड के तवे यूज़ करती हूँ। जनरली मैं ये बिना एजेस वाला तवा लाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि एजेस वाला लाऊंगी, क्योंकि मैं नीर डोसा वगैरह बनाती हूँ ना, तो वो एजेस रहा तो इसमें ही मैं नीर डोसा बहुत ईजिली बना पाऊंगी। पुराना तवा, ये साइड एक्चुअली फुलके ज़्यादा बनते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए ये साइड से ना तवा ऐसे जल जाता है, तो इसका भी फेंकने का टाइम आ गया। ये देखिए, ये भी प्रीमियर ब्रांड का ही था, यहाँ लिखा हुआ है ये भी प्रीमियर का ही था, बट ये 26 सेंटीमीटर था, ये काफ़ी बड़ा था, तो इसीलिए इस बार मैंने थोड़ा छोटा लाया है। मैंने फ्रेशनर, ये देख के ना इंडिया की याद आ गई, ये फेयर प्राइस वगैरह में जनरली वगैरह मिलता नहीं है, मुस्तफ़ा में ऐसा मिलता है, तो मैं पहली बार यहाँ सिंगापुर में ऐसा कुछ लाई हूँ। और चंद्रिका सोप, जैसे आप लोगों को पता है सनी यूज़ करते हैं, नहीं ये डिस्पोजेबल प्लेट्स लाए हैं, अभी गणपति वगैरह में भी काम आ जाएंगे जब कोई आता है घर वगैरह। एंड वैसे भी मैं डिस्पोजेबल प्लेट लाके घर पे रखती हूँ हमेशा, क्योंकि हम बीच वगैरह जाते हैं तो मैं यही प्लेट्स लेके जाती हूँ, कहीं पिकनिक वगैरह जाते हैं तो उसके साथ ही साथ डिस्पोजेबल स्पून्स भी लाई हूँ। तो ये वाला सेट, तो अभी दूसरा राउंड निकाल के दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या है। सो ये रहा राउंड 2, जैसे आप देख सकते हो, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहे अमूल ताज़ा के 2 पैकेट दही जमाने के लिए दूध, और फिर मैंने लाई है ये शान की रोस्टेड सेवैयाँ वर्मिसली, जो कि एकदम पतली वाली सेवैयाँ होती है, यही पसंद है मुझे, जो मोटी वाली सेवैयाँ होती है वो मैं नहीं खाती हूँ। और फिर ये रहा 1 किलो का सूजी, ये सूजी को मैं भून के रख दूंगी अभी फटाफट से, ताकि इसमें कीड़े वीड़े ना हो एंड इमीडिएटली यूज़ करने में आ जाए। और फिर ये रही चीनी, क्योंकि कुछ कुछ मीठा बनेगा तो चीनी ज़रूरी है। एंड फिर राइस का मैंने 1 ही पैकेट लाया, क्योंकि इस बार सनी इंडिया से चावल लाए हैं, मुझे याद ही नहीं था, तो ये रहा राइस। फिर 2 अमूल फ्रेश क्रीम के 2 पैकेट लाए मैंने। पोहा, जो कि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसके 2 पैकेट आए हैं पोहे के। ये रहा ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर। खजूर का डब्बा लाया है फिर से, खजूर रोज़ खाते हैं हम, रोज़ खजूर खाते हैं। एवरेस्ट का कसूरी मेथी का डिब्बा, एवरेस्ट पाव भाजी मसाला, फिर एवरेस्ट का चाट मसाला। मसालों में ना मुझे एवरेस्ट के ब्रांड बहुत पसंद है, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों में मुझे बादशाह एंड MDH जमता है, वरना मुझे एवरेस्ट ही पसंद है। राई, फिर ये रही सफ़ेद तिल, ये सौंफ लाई हूँ, और फिर ये मेथी के सीड्स हैं, और ये रहा खोआ। गुलाब जामुन बनाने का सोच रही हूँ मैं गणपति पे एक दिन, तो गुलाब जामुन के लिए एंड ऑल्सो मोदक, मैं मावा वाला मोदक बनाती हूँ, लास्ट ईयर भी बनाई थी, तो उसके लिए खोआ। एंड लास्ट ईयर क्या हुआ था मालूम, खोआ ना एकदम आउट ऑफ स्टॉक हो गया था मुस्तफ़ा से, फिर इंडियन शॉप पे भी मुझे 2-3 जगह नहीं मिला था, फिर आप ही लोगों में से किसी 2 लोगों ने मुझे बताया था कि कार्तिका में मिल रहा है, बट तब तक मैं मिल्क पाउडर लेके आ चुकी थी, बट खोए से जो बनता है ना मिल्क पाउडर से नहीं बनता है, खोए से अलग ही बनता है टेस्ट। मूल का बटर 1 लाई हूँ, क्योंकि 1 ऑलरेडी रखा हुआ है, उसका घी बनाऊंगी तो 1 स्टॉक में होना ज़रूरी है। छोटा सा पनीर का पैकेट लाया, फ्राइड क्यूब्स लाए हैं, ये कभी कभार ना एकदम से मैं ग्रेवी में डालने के लिए ना रेडीमेड, तो इसलिए मैं फ्राइड वाले नानक वाले लाई हूँ। पार्लियामेंट का इस बार लाई नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 किलो का पैकेट ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है फ्रिज में। फिर मैंने ये चिंग्स की शेजवान चटनी लाई है। ताजमहल योगर्ट बहुत अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो, कोई मिल्की मिस्ट खाता है ना, तो ये सेम मिल्की मिस्ट जैसा ही होता है एंड बहुत थिक होता है, तो ये ताजमहल योगर्ट जरूर ट्राई करना। इसी में से मैं फिर दही भी जमा दूंगी, ताकि अच्छा दही जमेगा, जिससे आप जमाते हो वैसा ही दही आता है। तो ये रहा सेकेंड राउंड, एंड उसके बाद ये बस आटे का पैकेट बचता है, जो कि मैं खोल नहीं रही हूँ, डायरेक्टली मैं ऊपर रख दूंगी इसको।
सो यही थी ग्रोसरी इस महीने की. ये सब कुछ गणपति पे भी आ जाएगा चीजें, एंड ऑल्सो उसके बाद हमारे कुछ प्लान्स हैं, ट्रैवल प्लान्स, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हम कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं बहुत जल्द भी क्या, हाँ थोड़े दिनों के बाद ही है, बट देन सारा प्लान हो चुका है, बुकिंग्स हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी. एंड यस, इस व्लॉग को यहाँ पे आई थिंक एंड करते हैं क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ अभी, एंड सनी आने का भी टाइम हो गया है. तो हम शायद डिनर घर पे करें या बाहर, पता नहीं, या फोकस खोता रहता है मेरा कैमरा आजकल, सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी. तो मैंने चेंज कर लिया एड्रेस, फटाफट से इस सामान को जमाती हूँ एंड उसके बाद मैं अपने आगे के काम करूंगी. एंड मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. अंटिल देन, डू वॉट मेक्स यू हैप्पी गाइस. बाय बाय.